BMX में सिर्फ एक फन के लिए चलाओ, मैं एक साइड में एक स्पोर्ट हूँ, मुझे मजा आता है चलाने में। आई थिंक BMX पैसे कमाने के लिए बंदे लोग आके थे विली करते थे, सिर्फ ओनली विली करते थे और उसके अलावा कुछ आते भी नहीं थे लोगों। मैं बोला डूड दूसरा मुझे कुछ ट्रिक दिखा सकते? आई थिंक वो लोगों को ये भी नहीं पता है उसके अलावा कुछ है। वहाँ से मैंने स्टार्ट किया मेरा BMX की जर्नी। वहाँ से जब स्टार्ट किया मेरे पास पैसे भी नहीं थे, Growing up in Mumbai slums, 26-year-old Anul had to work hard to pursue his passion for BMXing. फिर मेरे को मिनिमम BMX खरीदने के लिए 4 महीने लगे, 300 रुपये जमा करने के लिए। फिर मैंने BMX ढूंढा, एक बंगार की शॉप पे एक BMX दिखा, वो अंकल ने बताया ये मैं तुझे 1000 रुपये में दूंगा, मैं आपको उससे कम में दे सकता हूँ 200-250 रुपया। उसने बोला तू लास्ट मुझे 500 रुपये दे देना और BMX लेके चले आना। After saving up for a number of months delivering pizzas and negotiating a lower fee, Anil finally got his very own BMX. फिर मंथली कम से कम मैंने मिनिमम 2 से 3 घंटे मैंने प्रैक्टिस किया। थोड़ा सा क्लोज और लास्ट महीने के लास्ट एंडिंग पे मैं वो बंदे लोग के पास गया, मैंने वो लोग के सामने ट्रिक किया, वो बंदे लोग ने मुझे बोला एंड प्लीज़ डूड मेरे को ये सिखा सकता है। सब लोग मुझे बोलता तू लुकड़ा है तू कांडी है तू कुछ नहीं कर पाएगा। मैं बोला ठीक है चल मैं लुकड़ा हूँ, मैं ये सब मैं समझ गया। BMX as a sport isn't common in India, which caused Anul a number of problems in his pursuit of his sporting passion. बहुत टाइम मैंने बहुत मार खा चुका हूँ, वो लोग ने 6-6, 7-7 घंटा पुलिस चौकी में वो लोग के साथ में रह चुका हूँ। हम दोनों ने यहाँ सिटी पार्क में परमिशन लिए, मैम हम लोग ने बोला मैम हम लोग कोई ऐसे कोई गलत काम नहीं करे, एक स्पोर्ट से जो हम लोग इसका कैटेगरी आगे लेके जाने चाहते हैं। तो लोग अभी कुछ नहीं बोलते, अभी सिटी पार्क में जितने पुलिस वाले लोग बोलते हैं लोग तू कर हम लोग तेरे को सपोर्ट करेंगे। स्टार्ट किया BMX 2005 में, यानी BMX स्टार्ट किया, फिर चलाया, फिर अच्छे दोस्त मिले और अच्छे दोस्त मिले, फिर एक टीम मिला, एक टीम बना हम लोग का बड़ा टीम, याद मिठी और एक क्रू स्केटबोर्डर BMX बन गए और हम लोग इंडिया में सब बेस्ट टीम है। Since he has started performing, Anul has won a number of competitions,
and has even gained sponsorship from Red Bull. बहुत ज़्यादा लेवल बढ़ा दिया. जैसा मेरे को मैंने एक वीडियो बनाया Red Bull का, फिर वहाँ से हर बंदे मेरे से मेरे फॉलोअर ज़्यादा बढ़ गए. फिर वो लोग मुझे बोला अनूल यू आर बेस्ट राइडर. नहीं यार, मैं तो इंडिया के लिए तो हूँ, वर्ल्ड के लिए नहीं हूँ. बस मैं इंडिया के लिए हूँ. मेरे को वर्ल्ड के लिए और मेरे को मिनिमम ना 2 साल लगेगा अभी. सपना है बड़ा होंगे अच्छा जीतूंगे सपने मेरे. आने वाले दिन मैं कुछ अच्छा राइडर बन जाऊंगा. मैं इंडिया में इतना अच्छा कंपटीशन रखूंगा, इंडिया के हर बंदे को बुलाऊंगा, BMX राइडर लोगों, वो लोगों को मैं एक कंपटीशन रखना चाहता हूँ. ऐसे हाँ ये कंपटीशन होता है. और इंडिया का लेवल आगे के लिए जाने के लिए